जय श्री राम दोस्तों, सनातन गुल्लक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। सो पुत्रदा एकादशी यानी कि पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी, तो ये बहुत ही खास एकादशी होती है। तो इस वीडियो में आपको इससे जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ मिल जाएंगी कि जो है पौष पुत्रदा एकादशी यह इस वर्ष कब पड़ रही है, इसका मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, ऐसे कौन से कार्य जो एकादशी में करने वर्जित हैं, इन बातों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तो जो पौष पुत्रदा एकादशी होती है, यह पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरे विधि विधान से करता है उसे पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और जो भी निसंतान दंपति है या नवविवाहित दंपति है जिन्हें संतान की कामना है वह इस व्रत को कर सकते हैं। वैसे तो साल में दो बार जो है पुत्रदा एकादशी आती है, एक श्रावण मास में आती है और एक अभी पौष मास में आती है। तो यह जो पौष पुत्रदा एकादशी है इसका व्रत बहुत ही ज़्यादा खास होता है। यदि आपकी पहले से संतान है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से जो संतान पर आने वाले संकट है वह भी दूर होते हैं। और इस व्रत को करने के साथ ही यदि व्रत की कथा सुनी जाए तो जो संतान है उसका जो भविष्य है वह उज्ज्वल बनता है। तो यह एकादशी मुख्य रूप से संतान के लिए जो है वह की जाती है। वैसे तो जो पुत्रदा एकादशी है वह साल में दो बार आती है, एक श्रावण मास में आती है और अब एक अभी पौष मास में आती है। तो जो पौष पुत्रदा एकादशी है इस वर्ष यानी कि 2024 की, वह है 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को। क्योंकि इसकी जो शुरुआत हो रही है, पौष पुत्रदा एकादशी की मुहूर्त की जो शुरुआत हो रही है वह हो रही 20 जनवरी की शाम को 6:26 से, जो कि रहेगी अगले दिन यानी कि 21 जनवरी की शाम को 7:26 तक। तो जो उदया तिथि होती है उसके अनुसार और पंचांग के अनुसार यह जो व्रत है वह 21 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि यह जो पूजा विधि इस व्रत के लिए क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति जो है इस व्रत को करता है, एकादशी का व्रत करता है, उन्हें यह मालूम होगा कि एकादशी व्रत करने वालों को दसवीं तिथि में भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो दसवीं तिथि में भी आपको क्या करना है, सात्विक भोजन लेना है, आपको मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है। और क्या होता है, दसवीं तिथि की शाम को यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, अनाज खाना वर्जित होता है। तो आपको जो है अनाज नमक ये नहीं खाना है, आप जो है वो फलाहार ले सकते हैं। उसके बात क्या होती है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनको दसवीं के दिन नियम का पालन करना है, एकादशी के दिन व्रत करना है और उसके बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन जो होता है वह व्रत का पारण करना होता है। तो द्वादशी में भी क्या होता है, जो कुछ समय होता है वो हरिवासर का होता है, उस हरिवासर में व्रत का पारण नहीं किया जाता, उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस व्रत पारण का जो मुहूर्त है इस वर्ष वह है सुबह के 7:14 से 9:21 तक, यानी कि 22 जनवरी को 7:14 से लेकर के 9:21 के बीच आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस व्रत को धारण करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपको इसकी पूजा कैसी करनी है। तो द्वादशी को आपने इन नियम का पालन कर लिया, उसके बाद एकादशी की सुबह आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आप अपने स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और हो सके तो उस दिन आप जो है पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी को जो है वह पीला रंग जो है काफ़ी पसंद होता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेना किसी भी व्रत में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो उसके लिए आप हाथ ऐसे रख करके आप थोड़ा जल और जल के ऊपर कोई सा पुष्प यानी कि फूल आप ले सकते हैं। इसके बाद आप भगवान को जो है अपने अंतर मन में आप भगवान को याद करिए और उसे कहिए कि हे भगवान, हे जगत के पालनहार, हम जो है पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत निराहार रहने वाले हैं और हमारे व्रत को स्वीकार कीजिए और आप जो है हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमें एक सुयोग्य पुत्र का वरदान दीजिए, ऐसे आपको प्रार्थना करना है। यदि आप निराहार नहीं रह करके फल लेने वाले हैं उस व्रत में, तो आप निराहार की जगह कहिएगा कि हम फलाहार व्रत रहने वाले हैं। ऐसे करके आपको संकल्प लेना है, उसके बाद जो है आपको विष्णु जी की
पूजा करनी है, आप जो है भगवान जी के सामने धूप जला सकते हैं, दीप जला सकते हैं, उन्हें जो है आप नैवेद्य जो है वो अर्पित कर सकते हैं। पीले पुष्प जरूर से आप विष्णु जी को चढ़ाइएगा, क्योंकि उन्हें पीले रंग मैंने कहा जैसे कि उन्हें बहुत पसंद है, तो आप पीले पुष्प भगवान जी को चढ़ाइएगा। उसके बाद नैवेद्य आप जो भी चढ़ा रहे हैं यानी कि भोग, तो उस भोग में तुलसी दल होना ही चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना विष्णु जी का जो भोग है वह अधूरा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित होता है, तो इसलिए आप तुलसी के पत्तों को पहले से ही तोड़ करके रखिएगा। तो भगवान जी को भोग लगा लीजिए। आपको क्या करना है, विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करनी ही करनी है। जब पूजा हो जाए तो उसके पश्चात आपको विष्णु जी की आरती करनी है, और हो सके तो आप विष्णु पुराण जो होता है उसका भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि आप जो है पुत्रदा एकादशी कर रहे हैं, तो इसलिए इस एकादशी में खासकर जो संतान गोपाल मंत्र होता है उस मंत्र का जाप अवश्य ही करिएगा। यदि हो सके तो आप दोनों दंपति यानी कि पति पत्नी एक साथ यह पूजा कीजिए और दोनों मिल करके संतान गोपाल मंत्र को पढ़िएगा। तो वह मंत्र क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ओम देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम कृष्णा त्वामहा शरणम गत। तो यह जो है मंत्र होता है इसे आप अवश्य से पढ़िएगा। उसके बाद आप क्या है, दिन भर आपको जब भी वक्त मिले आपको भगवान जी को याद करिए, और जो विष्णु जी का मंत्र होता है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जो है दिन भर जाप कर सकते हैं। चूँकि आपने व्रत धारण किया है तो उस दिन आप झूठ बोलने से बचें, आप क्रोध करने से बचें, आप किसी को हानि ना पहुंचाएं, किसी को दुख ना पहुंचाएं, इस चीज़ का आप जो है विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद एकादशी के शाम में आपको क्या करना है, आपको फिर से हो सके तो आप स्नान कर लीजिए, और यदि नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अच्छे से हाथ मुँह धो लीजिए, गंगा जल का अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर से भगवान की पूजा करनी है, और पूजा करने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको तुलसी माता में जो है दीपदान बिल्कुल ज़रूर से करना है। एकादशी के शाम को तुलसी माता में दीपदान किया जाता है, यह बहुत आवश्यक होता है, तो आप उसके बाद ये भी कर लीजिए। उसके बाद आपको जो फलाहारी लेना है आपका ले सकते हैं। अब आपको जो व्रत का पारण है वो दूसरे दिन करना है यानी कि द्वादशी के दिन। तो द्वादशी के दिन आप सुबह उठिए, उसके बाद फिर से आप जो है स्नान आदि करने के बाद भगवान जी की एकदम विधिवत पूजा कीजिए जैसे कि आपने पहले दिन की थी, और साथ में भगवान जी से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान जी अब मेरा व्रत जो है वह पूरा हुआ है, तो मेरा व्रत स्वीकार कीजिए, यदि मुझसे किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई हो तो उसे प्लीज़ आप क्षमा कर दीजिए। ऐसे करके आप भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, और उसके पश्चात आपको किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना है और उन्हें कोई दान दक्षिणा देना है। एकादशी व्रत को पारण करने से पहले जो है ब्राह्मण को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना बहुत आवश्यक होता है। अब यदि आप चाहें तो किसी गरीब को भी मतलब भोजन करवा करके आप उन्हें भी दान दे सकते हैं। इतना करने के पश्चात जो है उसके बाद आप जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत पारण के लिए जो मुहूर्त होता है उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया द्वादशी के समय जो है श्री हरिवाशर करके एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में जो है पारण नहीं किया जाता है। तो यह जो एकादशी का व्रत है थोड़ा सा कठिन होता है, कुल मिलाकर के 3 दिनों का इसमें जो है वर्णन है 3 दिनों का। तो आपको क्या करना है, आपके व्रत को सफल बनाने के लिए आपको मुहूर्त में ही पारण करना है। तो मुहूर्त मैंने आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ, वह आपको करना है द्वादशी के दिन यानी कि 22 जनवरी की सुबह को 7:14 से लेकर के 9:21 तक। तो इस चीज़ का जो है आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए, आपको किसी टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और ऐसे ही मेरे साथ इस सनातन गुडलक चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।